इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एज द नेम सजेस्ट कि ये क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी लैंग्वेजेस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो वो वन वैल्यू से उसको जो है इंक्रीमेंट करते हैं या फिर वन वैल्यू से उसको डिक्रीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेरिएबल है एक्स और उसमें वैल्यू स्टोर्ड है 50, तो अगर हम उस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको क्या करेगा, वन वैल्यू से इंक्रीमेंट करेगा और फाइनल वैल्यू 51 हो जाएगी। बट द ट्रिकी पार्ट हेयर इज़ कि अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसको हम क्यों यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने का पर्पज़ यहाँ पे हमारा इसलिए है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमें कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे दो बार प्लस, तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट्स एक्स बिफोर इट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड, मीन्स इसकी वैल्यू जो है यूज़ करने से पहले ही उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। इसीलिए इसको जो है हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट। ओके, एंड एक्स के बाद अगर वेरिएबल के बाद हम प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो इस इंक्रीमेंट को जो है वो सबसे लास्ट में परफॉर्म करेगा। ठीक है, पहले दूसरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो इंक्रीमेंट्स एक्स आफ्टर इट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड, जब इसकी वैल्यू यूज हो जाएगी उसके बाद हम इसको जो है इंक्रीमेंट करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। आ रहा है समझ में? अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सो एग्जांपल मैंने क्या किया, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है x और इस x की वैल्यू है 60। ओके, अगर मैं यहाँ पे x प्लस प्लस करता हूँ, प्लस प्लस x और x प्लस प्लस, तो दोनों ही क्या करेंगे, इसको 60 से 61 कर देंगे। तो इंडिविजुअली एज अ स्टेटमेंट इसमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप x के पहले इंक्रीमेंट लगाएं या x के बाद इंक्रीमेंट लगाएं। बट अगर इसी इंक्रीमेंट को आप एक्सप्रेशन में यूज़ करें देन इट विल मेक अ डिफरेंस, तब वहाँ पे जो है डिफरेंस डेफिनेटली हमें पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, अब ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, एक दूसरा वेरिएबल भी आ रहा है, तो इस x के पहले प्लस प्लस है मतलब प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में हमेशा क्या करना है, पहले इंक्रीमेंट करना है x को एंड उसके बाद दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे दूसरे ऑपरेशन क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो होगा क्या यहाँ पे कि y एक वेरिएबल है, ठीक है, और x एक वेरिएबल है, x में हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो x के पहले प्लस प्लस लगाया तो हम x को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 से 61 हो जाएगी, और ये वैल्यू फिर असाइन होगी y को, तो x की y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61। तो यहाँ पे y की भी वैल्यू 61 हो गई और x की वैल्यू भी फाइनली 61 हो गई। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखूँ y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, तो x के बाद यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरे ऑपरेशन जैसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होंगे और इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेशन होगा वो सबसे लास्ट में परफॉर्म होगा। तो अगर इसको हम कंसीडर करें तो यहाँ पे y है एक वेरिएबल और x एक वेरिएबल है, x में हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, अब पहले आपको क्या करना है, दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे क्या है असाइनमेंट ऑपरेशन, तो x की जो भी वैल्यू होगी वो y को जो है असाइन हो जाएगी, तो y को वैल्यू असाइन हो गई 60। अब कोई और ऑपरेशन नहीं बच रहा है, अब इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से इंक्रीमेंट कर देंगे वन वैल्यू 61। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 60 और x की वैल्यू हो गई 61, जबकि प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ था, यहाँ y की वैल्यू भी 61 थी और x की वैल्यू भी 61 थी। तो ये डिफरेंस आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअली आप एज अ स्टेटमेंट इसको देखते हो तो डेफिनेटली ये सेम है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन में अगर इसको यूज़ करते हो
तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। अगर पहले रखा है तो इंक्रीमेंट पहले होगा, और अगर बाद में रखा है तो इंक्रीमेंट जो है बाद में होगा, बाकी ऑपरेशंस पहले होंगे। ठीक है, इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी परफॉर्म होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी हम अगर इसको लिखें माइनस माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस माइनस, तो इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्री डिक्रीमेंट। और इसमें क्या करना है, पहले डिक्रीमेंट करना है वैल्यू को, फिर बाकी ऑपरेशंस करना। और इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। आई थिंक यहाँ पे नेम सजेस्ट कर रहा है प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले दूसरे ऑपरेशंस करोगे और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट वाला पार्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 60 रखता और फिर लिखता y इज इक्वल टू माइनस माइनस x, देन फिर क्या होता, y की वैल्यू भी 59 होती और x की वैल्यू भी 59 होती। ठीक है, और दूसरा अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो y इज इक्वल टू x माइनस माइनस करता, तो उस केस में y की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 60 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले मैंने असाइनमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। ठीक है, तो जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट जो है इस तरह से परफॉर्म करते हैं हम सी लैंग्वेज में। ओके।